शाहरुख खान की फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज तो हो गई है, मगर शहर की तीन टॉकीजों में पहला शो चलने के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि विरोध का प्रदर्शन पर कोई असर नहीं हुआ, दूसरे दिन भी शांति के साथ अब फिल्म का प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठनों के विरोध के चलते सिनेमाघरों के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। SDOP से लेकर TI स्तर के अधिकारी टॉकीजों के बाहर पहरेदारी करते नजर आए। दोपहर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने डायवर्शन रोड और श्रीकृष्ण तिराहे स्थित टॉकीजों के बाहर नारेबाजी कर शाहरुख खान का पुतला फूका। टॉकीज संचालक से फिल्म प्रदर्शन पर रोक की मांग भी की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन जारी रहा। दर्शकों की चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। ये बजरंग दल ने आज शाहरुख खान का पुतला फिल्म पठान के विरोध को लेकर के फूका है, क्योंकि इसमें एक तो दीपिका पादुकोण, जब JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे देश विरोधी नारे लगते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के ये वहां पर खड़ी होती, उनका देश विरोधियों का समर्थन करती है। शाहीन बाग में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलती है, ये वहां पर जाकर के खड़ी होती है। हमारे देश में अभी इतनी बड़ी महामारी हुई जिसमें यह नचनिया शाहरुख खान, जिसके द्वारा न तो देश में न प्रशासन में किसी प्रकार से न तो कोई सुविधा दी गई, बल्कि धर्म देख करके इसने फंडिंग करी। ऐसे विरोधियों का, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का बजरंग दल विरोध करता आया है। और दूसरा भगवे का विरोध, इन्होंने भगवे का बेशर्म रंग, बेशर्म भगवा, वो भगवा जो हमारे सनातन की पहचान है, वो भगवा जिसको पहन करके हमारे संतों ने देश दुनिया का ज्ञान दिया, उस भगवे को लेकर के, उस भगवे का अगर आप अपमान करोगे तो हम आपको पूरे देश भर में चलने नहीं देंगे। बजरंग दल इसका पुरजोर विरोध करता है और भगवे के सम्मान में और सनातन के सम्मान में बजरंग दल को जो भी करना पड़ेगा बजरंग दल करेगा। पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी? यह पिक्चर नहीं चलेगी। अभी हमने शासन प्रशासन से भी बात करी है और बजरंग दल नम्रता पूर्वक आग्रह टाकीज वाले व्यक्ति से भी करेगा, क्योंकि टाकीज के जो मालिक है वो भी हमारे अपने, हम नहीं चाहते उनको भी किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। हम उनसे भी विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे कि ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को, ऐसे देशद्रोहियों को बिल्कुल चलने ना दे और अपने सिनेमा घरों में ऐसे लोगों को बिल्कुल जगह ना दे। पूरे देश में चल रही पिक्चर? पूरे देश में नहीं चल रही है, कई जगह विरोध भी हुआ है। आप देख लो इंदौर में भी पहला शो सब जगह लगभग चालू हुआ, उसके बाद कई जगह शो, दूसरा शो बंद हुआ, कैंसिल हुआ और बाकी अभी सब जगह शासन प्रशासन से बात चल रही है और पूरे देश भर में यह फिल्म नहीं चलेगी। शासन प्रशासन भी इसमें सहयोग करे और जितने सिनेमा घर वाले हैं उनसे भी हमारा विनम्रता पूर्वक यही आग्रह है कि जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के समर्थन में ना रहते हुए, देश प्रेमी और देशभक्ति का परिचय देते हुए ऐसी फिल्में तत्काल प्रभाव से बंद हो। विवेक सिंह तोमर, विश्व हिंदू परिषद, जिला मंत्री खरगोन। को लेके ये जो विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल के ने कॉल दिया था कि हम इसका विरोध करेंगे, तो यहाँ पर हमने आरती टॉकीज पर और श्रीकृष्ण टॉकीज पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई है कि कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में ना ले सके। पिक्चर चलेगी? पिक्चर चलना नहीं चलना ये तो नीति जो बनाते हैं उन लोगों का काम है। हमारा काम है कि कोई भी व्यक्ति अपना कानून हाथ में ना ले और अपना प्रजातांत्रिक विरोध यदि करना चाहते हैं तो करें। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी भी की गई, पुतला भी जला है। प्रजातांत्रिक विरोध में कोई कानून हाथ में नहीं लिया गया है। हम सभी से ये अपील करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून अपना हाथ में न ले, जो प्रजातांत्रिक विरोध का तरीका है उसको, विरोध को अपनाए। पिक्चर तो चल रही है? हाँ, पिक्चर चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।